वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ रूम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो एंड मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। सो वैलेंटाइंस डे पे मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने रूम को ट्रांसफॉर्म कर लूँ। आई नो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक वैलेंटाइंस डे खत्म हो चुका होगा, बट फिर भी मैंने कर लिया। बाय द वे आज है वैलेंटाइंस डे एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइस ये रूम मैंने किसके लिए डेकोरेट किया है आप लोग गेस कर सकते हो, तो 10 सेकेंड के अंदर गेस करके बता दो वरना मैं खुद ही बता देती हूँ। सो ऑफकोर्स ये रूम मैंने आप सबके लिए ट्रांसफॉर्म किया है एंड फॉर मी। सो इस रूम को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लाइक लिटरली मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड हॉस्टल रूम को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। सो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो फिर क्या करना है पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इस वीडियो को करना है लाइक शेयर एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब, प्लस आप मुझे फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम पे अगर आपने नहीं किया है अभी तक। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इधर किधर कहीं भी लगा दूंगी। एंड इससे पहले मेरा रूम कैसा था रूम टूर देखना चाहते हो अगर आप लोग, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सो या बिना ज़्यादा बकबक किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड देखते हैं कि ये जो रूम इतना प्यारा अभी आप देख रहे हो इसको ट्रांसफॉर्म करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है एंड मैंने क्या क्या किया है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं अपने रूम के बेडशीट को चेंज करूँगी। यहाँ पे मैंने व्हाइट पिलो कवर एंड व्हाइट बेडशीट का यूज़ किया है बिकॉज वैलेंटाइंस डे पे व्हाइट कलर की बेडशीट काफ़ी अच्छी लगती है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे व्हाइट रखा है। एंड ये जो प्लाई वाला वॉल आप देख रहे हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो इसको भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने वाली हूँ। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे मैं ये हार्ट शेप वाले जो कर्टन्स आते हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। Many months later. Eternity later. ये इतने जिद्दी थे कि बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. मैं रेड कलर के चार्ट पेपर का यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं हार्ट शेप में कट करूँगी। मैंने पेपर का हेल्प लिया है ताकि मैं इसको ईजिली कट कर पाऊँ एंड इसको मैं एक कर्टन बनाने वाली हूँ ताकि इसे मैं वॉल के ऊपर स्टिक कर पाऊँ। आपको ये थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि ये कैसा लगेगा स्टिक होने के बाद। सो लेट्स डू इट। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये रोज शेप का जो लाइट आता है वो लगा दिया है ताकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाइब आए रूम में, रेड कलर का थीम से मैच हो जाए। सो दैट्स व्हाई मैंने फ्लावर वाले जो स्ट्रिंग लाइट आती है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं जो भी रेड कलर के बलून्स है उसको एक लाइन में स्टिक कर रही हूँ ताकि लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आए। एंड ये जो बेड के ऊपर एक सेल्फ है इसके ऊपर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर दिए इसके ऊपर एंड जो भी वैलेंटाइंस थीम से मैच हो रहे थे वैसे रोजेस वगैरह रख दिए हैं। मतलब ये बीच में आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड दिख रहा होगा तो ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकती थी, दैट्स व्हाई ये ऐसा ही मैंने छोड़ दिया। Thank you.
सो लास्टली मैं रूम को फाइनल टच देने के लिए बेड पे आई लव यू लिख रही हूँ। मेरे पास ये रोज शेप के पेटल्स थे जो कि मैंने अमेजोन से लिया था, सो इससे मैं आई लव यू लिख दूंगी एंड देन मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। That's it for this video. Let me know आपको ये room transformation video कैसी लगी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको करने में, plus बहुत ज़्यादा time taking था, but अगर आप लोगों की request रही और भी ऐसी videos बनाने की तो ज़रूर मैं करूँगी। but अगर आप सभी को ये video पसंद आई है तो please इसे 11K like तक पहुँचा देना, plus channel को subscribe कर लेना and इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share कर देना अपने friends and families जिसके साथ भी मन करे, और मुझे बताओ आपको और कैसी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। सो या, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।